नमस्कार खगड़िया टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आगे डालते हैं आज की खास खबर। आपको सीधे माता मंदिर ले चलते हैं, जिनके नाम पर माता टीला बांध का नाम पड़ा हुआ है, माता मंदिर के दर्शन कराएंगे। माता मंदिर ले चलते हैं आप सीधे, हम जो सड़क जो है सामने जा रही है ये सीधे माता मंदिर के लिए जा रही है। गाड़ियां आप देख रहे हैं दूर तक, ये सब माता के दरबार में भक्त कहीं ना कहीं माथा टेक रहे हैं। जो भी माता टीला के दर्शन करने आता है वो माता के दरबार में माथा टेकना नहीं भूलता है। लीजिए अब हम आ गए सीधे माता मंदिर, अब हम आपको सीधे माता मंदिर के दर्शन कराते हैं। अब हम आप पहुंचे हैं जो हमारी जो हमारा सफर है आखिरी, हम जो जिस तरह से हमने कहा था कि हम माँ मालिनी माता टीला के माँ मालिनी के दर्शन कराएंगे, हम सीधे माँ मालिनी के दरबार में आ चुके हैं। और हम सभी एक कामना करते हैं, जिस तरह से हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा जिला कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, हमारा देश कोरोना जैसी महामारी से जल्द छुटकारा मिले, हम सब एक माँ से प्रार्थना करते हैं। वहीं आज जिस तरह से हम बता दें कि जो माता टीला जो नाम पड़ा है इस बांध का, इन माता टीला बांध जय माँ मालिनी माँ के नाम से पड़ा हुआ है। खुद पुजारी यहाँ के, हम उनसे खुद जानना चाहेंगे कि पूरा मंदिर का क्या है इतिहास। जय माता दी, पहले आपका नाम कुमार पाठक जी, क्या है माँ का इतिहास, क्या कहते हैं माँ का बड़ा चमत्कार है। जी हाँ, ये जो मंदिर है 500 साल पहले का है और हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे तो उन्होंने देवी का आराधना किया था, तो आराधना से प्रसन्न होकर एक देवी स्वयं पाषाण रूप में प्रकट हुआ जिसको कहा जाता है पत्थर, तो उस रूप में प्रकट हुआ। तो यहाँ के जस्ट यानी कि जो डैम है तो वो यहीं से बनाया जा रहा था, तो यहाँ के जो मूलचंद शर्मा जो ठेकेदार थे तो उनको देवी ने सपने में जब उन्होंने दो तीन बार यह सर्वे किया छोटे से डैम, उस डैम को रूप में बनाया, बार बार वह डैम टूट जा रहा था जिससे वह काफ़ी निराश हुए। तो रात्रि काल जब उन्होंने विश्राम किया तो देवी ने उनको सपने में बताया कि आप डैम यहाँ से ना बनाकर आगे जो वनगांव गांव का टापू है आप वहाँ से बनाएंगे तो डैम कभी ना टूटने वाला, मजबूत होगा। और साथ ही साथ उन्होंने भी कहा कि जब आपका डैम का निर्माण होगा तो कुछ प्रतिमाएं आपको हमारी प्राप्त होंगी। तो पहला जो मंदिर बना है ये डैम की खुदाई से उनको प्राप्त किया गया था, उस समय खुदाई में मिला हुआ था। जी हाँ, देवी के कहने अनुसार। जी हाँ, जो उनका नाम है माँ मालिनी देवी, माँ मालिनी देवी ने सपना दिया हुआ था। जी हाँ, माँ मालिनी देवी ने सपना दिया हुआ था उन ठेकेदार को कि जब आप डैम का निर्माण करेंगे तो हमारी कुछ आपको प्रतिमाएं प्राप्त होगी। तो पहला प्रतिमाएं प्राप्त हुआ था जिसका नाम है शीतला देवी, और इसके नीचे आप जाएंगे तो आप देखेंगे शेर का गुफा हुआ करते थे। जी हाँ, तो मंदिर के निर्माण के समय उसको बंद करा दिया गया। जी हाँ, तो यहाँ काफी सिद्ध देवी है जिसके यहाँ बच्चे नहीं होते या कुछ भी नहीं होता, एक बार आराधना करने से यानी कि आप यहाँ जो भी मांगेंगे वो आपका मनोकामना। माँ के दरबार से आज तक कोई भक्त खाली हाथ नहीं। जी हाँ, यहाँ काफी सिद्ध देवी हैं और आप कुछ भी मांगेंगे आपका निश्चय ही पूरा होगा। जो मंदिर का निर्माण हो रहा था वो शेर वापस उस गुफा में चला जाता था। अच्छा। जी हाँ, तो इससे लोग बाग काफी डरा करते थे, तो जब उसको पैक कर दिया गया तो उसका आने यहाँ कम हो गया, यहाँ से फिर वो चला गया, फिर जाकर उस मंदिर का निर्माण हुआ। अच्छा, शेर यहाँ आते थे? जी हाँ, शेर यहाँ, यहाँ तो काफी घनघोर जंगल था, यहाँ शेर आते थे। जी हाँ, और जैसा कि माँ का ठेकेदार का उप ठेकेदार का जो बच्चा था वो 12 वर्ष से लापता था, तो जब उन्होंने माता की इतनी महिमा देखी तो उन्होंने आकर यहाँ अर्जी लगाई कि मेरा बच्चा। जी हाँ, तो यदि मेरा खोया होगा 12 वर्ष से जो लापता पुत्र है वो मुझे मिलता है तो मुझसे जो बनेगा मैं आपके लिए वो करूंगा। तो उन्हीं ने इस मंदिर का निर्माण कराया था, मंदिर बना 1957 में पहले। जी हाँ, पहले मंदिर, मंदिर। जी हाँ, फिर बांध बना। जी हाँ, क्योंकि जो बांध बन रहा था वो टूट रहा था लगातार। जी हाँ, वो देवी शक्ति द्वारा, क्योंकि बांध यहाँ से बनना नहीं था क्योंकि यहाँ से माँ का मंदिर था। जी हाँ, इसलिए माँ ने सपना देखे बांध को कहा कि आप बनवा भाई टोड़िया से बनवा। जी हाँ, तो जो बनगांव गांव का टापू है तो डैम वहीं से बनाया गया, फिर पहले मंदिर बनाया गया फिर डैम का निर्माण स्टार्ट हुआ। जी हाँ, जी हाँ, यहाँ का पूरा इतिहास ये है। और दरबार में सच्चे मन से जो भी जो मांगता है कभी आज तक खाली हाथ नहीं गया। हमारे साथ कुछ भक्त जुड़ रहे हैं, आपका नाम? राजेश साहू। राजेश जी कहाँ से हैं? झांसी से। क्यों नहीं आप आए हैं माँ के दरबार में, आपने माथा टेका है, क्या समझते हैं? हाँ, माँ ने बुलाया तो बिल्कुल आए, लॉकडाउन होते हुए भी हम लोग इधर पहुँचे और माँ के आराम से मतलब बहुत अच्छी तरह दर्शन हुए हमें, और हम लोग भाग्यशाली हैं कि और आप भी सब लोग इधर पहुँचे और दर्शन मिले हैं, और बहुत अच्छा नज़ारा है इधर का कुदरत का, रियली बहुत महसूस करते हैं। जब भी आते हैं तो मंदिर के पहले दर्शन करते हैं। जी जी, आप? अंकित साहू। अंकित जी कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, माँ के दरबार से क्या माना? बस माता की कृपा बनी रहे हमेशा सभी पर। अच्छा, अंकित जी बताइए।
बहुत ही अच्छा लगा है। सुहावने मौसम में माता के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ और जो हमने डैम का नज़ारा देखे वो भी बहुत ही सुंदर देखा। क्या अद्भुत नज़ारा है, अद्भुत नज़ारा। माँ के जैसा पंडित जी ने बताया है वैसे मनोकामना है और भक्तगण मांगते रहेंगे हमेशा, माँ की कृपा बनी रहेगी। We'll be right back.